दोस्तों, हिबिस्कस के फूल यानी कि गुड़हल के फूल, चाहे किसी भी वैरायटी के हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लांट लवर होते हैं उनके फेवरेट फ्लावर्स होते हैं। और उनमें से अगर बड़े बड़े हाइब्रिड वाले हों तो बस फिर कहना ही क्या। ये हाइब्रिड वाले छोटी हाइट के प्लांट्स रहते हैं और फूलों के साइज बहुत ही बड़े बड़े और ज़बरदस्त कलर वेरिएशन में खिलते हैं। जब खिलते हैं तो एक ही फूल मन को बिल्कुल मोह लेता है, और जब एक पॉट में 3-4 फूल एक साथ खिल जाएं तो बस फिर बात ही क्या है। तो मैं आज आपसे इस हाइब्रिड वाले की केयर पर ही बात करूंगी कि गर्मियों में हम इन्हें कैसे सेव करें और इनसे कैसे फ्लावरिंग लें। विंटर के सीज़न में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में जहाँ टेम्परेचर जैसे ही 35 डिग्री से ऊपर जाने लगता है, और जिन इलाकों में जैसे हमारे जैसे गर्म इलाकों में टेम्परेचर 45-47 डिग्री तक बहुत आराम से पहुंच जाता है, तब इनकी फ्लावरिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जब हार्श विंटर्स पड़े थे तब भी इनकी फ्लावरिंग में फ़र्क पड़ गया था। ये फेब का मौसम और उधर से ये सेप्टेम्बर अक्टूबर का जो मौसम स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर इनके लिए बहुत ही सुटेबल होता है। अगर मैं सही बात करूँ तो 25 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट होता है उनके लिए। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इनकी हम फ्लावरिंग गर्मियों में भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि गर्मियों में हमें जिन भी प्लांट से फ्लावरिंग लेनी होती है, जिनको कि कूल वेदर पसंद होता है, उनको आप मिट्टी के पॉट में लगाएं। जैसे मैंने अपना ये 10 इंच वाले टेराकोटा के पॉट में लगाया है, क्योंकि मिट्टी में पोर्स होते हैं तो वो अंदर से मिट्टी के पॉट में जब पोर्स होते हैं तो वो अंदर से प्लांट को जड़ों को ठंडा रखती है, और मिट्टी के पॉट में आपको कभी भी ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मेरे प्लांट भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हुए थे, तो मिट्टी के पॉट में आपको ये समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात हमारी मिट्टी की है, तो मैंने जब इसकी मिट्टी बनाई थी तो मैंने इसके अंदर 25% से लेकर 35% तक कोकोपीट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कोकोपीट हमें मॉइस्चर होल्ड करने की पावर होती है। और गर्मियों में हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं, देखिए मैंने सारे अपने ये जितने भी हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं मैंने सब में इस बार कोकोपीट का यूज़ किया है और सबको मिट्टी के पॉट में ही लगाया है, क्योंकि कोकोपीट से मॉइस्चर मेंटेन रहता है, इससे पानी की कमी भी नहीं हो पाती है। गर्मी की वजह से कभी आप पानी देना भूल भी गए और अंदर मिट्टी भी जड़ें भी ठंडक बनी रहती है, इसकी वजह से हमारे प्लांट गर्मियों में ख़राब नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत बार जहाँ टेम्परेचर काफ़ी राइज होता है और अगर प्लास्टिक के पॉट में आपका प्लांट लगा है तो वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ, लेकिन मिट्टी के पॉट में अगर आपका प्लांट लगा है और आपने मिट्टी बनाते समय कोकोपीट का इस्तेमाल किया है, आप 25 से 35% तक कोकोपीट ले लीजिए, बाकी अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 25% तक आप इसमें कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। कंपोस्ट में जैसे मैं आपको बताती हूँ, हर प्लांट के लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। गर्मियों के लिए अगर आप इन प्लांटों को लगा रहे हैं तो गोबर की खाद का इस्तेमाल आप मत कीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसको बाद में दे सकते हैं, और थोड़ी सी उसके अंदर आप बोन मिल मिला दीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच आप उसमें नीम की खली मिला दीजिए। नीम की खली आप 1 चम्मच से ज़्यादा ले सकते हैं, लगभग 1 मुट्ठी। बोन मिल आप 1 चम्मच ही मिलाइए, 1 चम्मच आप इसमें एप्सम सॉल्ट का मिला सकते हैं। ये इस तरीके से जब आप अपनी मिट्टी को तैयार करके और मिट्टी के पॉट में अगर आप अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपके प्लांट गर्मियों में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे समय आने पर। ये ऐसा कहने के पीछे जो उसका रीज़न है वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब उस समय पर इनकी कलियाँ गर्मी के कारण बंद तो जाती हैं पर खिल नहीं पाती हैं कई बार, इसीलिए लेकिन इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, मिट्टी का और उसके पॉट का, तो आपके प्लांट जिंदा रहेंगे, आपके प्लांट गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होंगे। फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सा जो है रेनी सीज़न आता है, मौसम में थोड़ी सी ठंडक आती है, ये फिर से दोबारा जो है बर्ड्स बनाने लगते हैं और इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। तीसरी चीज़, अब आप इनकी लोकेशन को चेंज कर दीजिए। सन की ज़रूरत है इनको, सनलाइट की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी आप इनको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट भी देते हैं तो वो इनके लिए सफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि पॉट का, यानी मिट्टी के पॉट का, और मिट्टी बनाते समय मिट्टी में क्या क्या मिक्सचर मिक्स करना है उसका, और सनलाइट का यानी लोकेशन का, इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके हाइब्रिड वाले हिबिस्कस गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे और हार्श
समर की वजह से आपके प्लांट खराब नहीं होंगे, और समय आने पर अगर वो फ्लावरिंग नहीं भी कर रहे हैं तो जैसे ही वेदर इनके सुटेबल होगा ये जरूर फ्लावरिंग करेंगे। तो आप इन तीन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने प्लांट से अच्छी अच्छी फ्लावरिंग लीजिएगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।